यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश में तापमान कैसा रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या कुछ तापमान में अंतर बना रहेगा और किस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आने वाला है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, यानी कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में क्या कुछ हाल जो है वो तापमान का देखा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर तापमान कैसा बना हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अभी ठंड और बारिश के लिए लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही बारिश होने के भी तीखे आसार बन रहे हैं, तीव्र आसार बन रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आसमान में बादल भी छाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले एक दो दिन में यहां पर बारिश हो सकती है। इस बीच राजधानी लखनऊ के साथ कई बड़े शहरों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका असर यूपी के कई शहरों में बादल के छाने और बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा, कपकपी लोगों की छूट सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार कोहरा का भी असर देखा जा रहा है। आपको बता देते हैं कि कहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां पर अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो वहीं कानपुर में अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से बना हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर में अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अयोध्या में अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पारा गिरा है, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा आगरा में अधिकतम तापमान 24, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और सुबह में कोहरा और धुंध के बाद मौसम यहाँ पर साफ रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में बादलों की आहट हो रही है। दिन में यहाँ पर दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी भी कम नहीं हुआ है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 27 दिसंबर से पूरा मौसम बदलने वाला है, यानी कि तापमान में काफ़ी ज़्यादा कमी रहने वाली है। और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, यहाँ पर हल्की बारिश की भी आसार जताए जा रहे हैं। इसके चलते यूपी में सीधे तौर पर ठंडी हवाएं यूपी में आएंगी और इसके चलते उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सटे अगर मध्य प्रदेश राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार मौसम बदल रहा है और ऐसे में तीनों ही प्रदेश में आने वाले कुछ ही दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि 1 जनवरी की शुरुआत के साथ साथ पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और ख़ास तौर पर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में इस दौरान कड़ाके की ठंड का एहसास होने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी से अभी यूपी में लगातार ठंड भरी लहरें आ रही हैं और इसी के चलते इन ठंडी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।